हम लोग एवेंजर्स कैसे बने थे बताते हैं बेटा बताते हैं रखो थोड़ा अभी सब बताते हैं तुम लोग को तुम लोगों का दादाजी आया था एवेंजर्स बनाने के लिए साला ए तू फटे जेब में हाथ मत डाल समझाना अभी हम सबको बताएंगे एवेंजर्स कैसे बने हम लोग आज मैं बताऊंगी हम लोग एवेंजर्स कैसे बने थे <laughs> देखो आ गई बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा तेरी माका का बोल ना बोल कह रुके बोल आगे बोल लिस्ट तैयार है बोलो किसका नाम थोर का लो थोर का थोर का बारे में हम बताएंगे थोर एक बहुत गरीब परिवार से है उसके पास पहनने के लिए एक चड्डी भी नहीं था अबे ओ अंधा मुंह संभाल के बोलो समझाना तुम्हारा खानदान खरीद लेंगे इतना पैसा साला खानदान खरीदने का क्या जरूरत है एक चड्डी खरीद लो और तुम सबको पता है यह तो लेकर क्यों घूमता है क्योंकि इसका बाप लोहार था बिल्कुल सही बोले अंधा भैया ने सही बोला थोर का बाप हमको बक्सा भी बना के दिया था अंधा बेटा अब शांत हो जाओ बहुत तुम मेरा बेजती करवा लिया है आगे से और बेजती मत करवाना वरना जो तुम्हारा दूसरा आंख बचा ना उसको भी फोड़ देंगे साला और बिल्कुल सही बोल रहे आप दूसरे का बेजती करो चलो आप अंधा का बेजती करो अंधा का कहानी यह है तवा वाला बताया तवा वाला हम क्या बताए रे बेटा बाप से हंसी आ रही नहीं नहीं तो अभी तुम्हारा कहानी सुनाएंगे हाँ सुनाओ सुना क्या सुनाता था तुम सुनाओ तुम सबको जानना है ये तवा लेकर क्यों घूमता है हाँ बताओ हाँ ठीक है बताओ तू तवा लेकर इसलिए घूमता है क्योंकि तेरा बाप का चौमिन रोल का ठेला था बिल्कुल गलत जवाब मेरा बाप का होटल था और तेरा बाप का वेल्डिंग का दुकान था इसलिए तू अरे बना हाँ मेरा बाप का वेल्डिंग का दुकान था क्योंकि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता ए ए डायलो डायलॉग तो सुनो ना धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता क्या डायलॉग मारा का हाँ तो मेरा बाप का वेल्डिंग का दुकान था तेरा बाप का ऐसा दूसरे का बर्तन तो नहीं धोता था ना तू चुपचाप तवा ले और अपना दुकान खोल मजा आ गया तुम लोग को बिग बॉस में जाना चाहिए अब कोई मत बोलना कि हल्क का कहानी सुना हल्क मैं खुद ही हूं और मैं बता देता हूं कि मेरा बाप समोसा का ऊपर हरा चटनी लगा कर बेचता था इसलिए मैं हरा हरा पैदा हुआ और ज्यादा कोई कहानी नहीं है तेरा बाप बासी समोसा बेचता था इसलिए मैं बार बार बाथरूम जाता था आज पता चला मुझे अब तुम उधार का समोसा खाएगा तो बासी माल देगा ही क्योंकि पैसा कोई पेड़ में नहीं उगता समझा ना सब चीज का पैसा लगता है तो पैसा दो नगद खाओ गरम गरम खाओ क्या है उसमें साले भीख मंगे समोसे खाएंगे <laughs> तो दोस्तों आप सभी को हमारा ये फनी डबिंग वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हर जगह शेयर कीजिए और अपने सारे दोस्तों में फैला दीजिए ये वीडियो और हाँ जो भी एवेंजर्स के फैन है कृपा करके वो सीरियस ना ले वीडियो को कोई को होता ना गुस्सा जाता है गाली लिखने लगता है कमेंट में तो इसे सीरियसली ना ले सिर्फ मैं एंजॉय के लिए बनाता हूँ मैं भी एवेंजर्स का फैन हूँ पहला तो मैं क्रिस का फैन हूँ दूसरा एवेंजर्स का हर एक कोई का मैं फैन हूँ तो दोस्तों मैं सिर्फ वीडियो को एंजॉय के लिए बनाता हूँ तो इसे सिर्फ इन्जॉय कीजिए सीरियसली ना ले हाँ और हाँ अगर आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में सभी को दिखाएँ समझे परिवार को भी आप दिखा सकते हैं मैं बहुत सारे डबिंग वीडियो जो परिवार के साथ मतलब एक दो होता है जो परिवार को दिखाने लायक नहीं होता बाकी डबिंग मैं परिवार को दिखाने लायक ही डबिंग बनाता हूँ ठीक है तो वीडियो को दिखाइए परिवार के साथ देखिए और दोस्तों को भी दिखाइए ठीक है इसी तरह प्यार देते रहिए चैनल को जय हिंद जय भारत